नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस? इसका प्रयोग इंग्लिश बनाने के लिए किस प्रकार किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, व्हेन सेंटेंस फिनिश्ड ऑन, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो, रहे हो, रही हो, और रहा हूँ, रही हूँ, देन वी से दैट इट इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जब कभी भी वाक्य रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो, रहे हो, रही हो, रहा हूँ और रही हूँ पर समाप्त होता है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का प्रयोग इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर ही, शी, इट नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल आई के साथ एम का और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या होते हैं? फर्स्ट, इसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़के तालाब में तैर रहे हैं, द बॉयज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा वाक्य बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मिसबिहेविंग टू एनीवन। सेकंड, हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबॉडी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट। सेकंड, क्या वह कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग द क्लोथ्स। और लास्ट में आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिनको बनाने के लिए हम इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। सेकंड, क्या वह आपको मिलने नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग टू मीट यू आज। यह होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, और इसमें बताए गए रूल्स के द्वारा आप इजीली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के वाक्य बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे आने वाले वीडियो में अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल द्वारा कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरे नए वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू।